राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी व्यू। कहार महासंघ के द्वारा आज अग्रवाल धर्मशाला में एक पत्रिका का विमोचन और युवक की परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से भी कहार समाज के समाज बंधु शामिल, जा समाज के उत्थान के लिए विषय पर भी विचारों का आधार प्रदान किया गया। उक्त संबंध में कहार महासंघ के पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गयी। हमारे समाज के आज जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, उसको शासकीय नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है, जाति प्रमाण पत्र बनाए नहीं जा रहा है, जबकि माझी जाति संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में दौरा किया है। मेरे पास बस अलग रिकॉर्ड है, हमारा अनुरोध है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे भाई कमल मेघवाल जी, विदिशा मीडिया प्रभारी, जी मैं अजय रखवाल, कहार महासंघ राष्ट्रीय संगठक से हूँ। राष्ट्रीय महासंघ आज विशाल की बेहतर नीति पर जीवनदायिनी के तट पर आपका स्वागत है। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर कहार माझी समुदाय की एक पत्रिका लॉन्च की गई है, उसकी आज यहाँ से ओपनिंग की है अपने पत्रिका की, जिसमें हमारे समाज के समुदाय के कहार माझी समुदाय के बच्चा बच्चियों के बायोडाटा हैं, महापुरुषों के लेख हैं, और जो वर्तमान में हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के समाज के भाई बहन हैं, जो भी अपनी बात समाज तक पहुँचाना चाह रहे हैं, उनके लेख भी उसमें उल्लेख किए गए हैं। सम्राट अशोक की ससुराल को क्यों चुना आपने बीचा में? क्या है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि भोपाल के नज़दीक भी है और यहाँ की जलवायु भी ऐसा लगा कि अच्छी है, यहाँ से हम लोगों को सफलता मिलेगी, इसलिए। कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और लग रहा है कि आगे मिशन काफ़ी आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। कमल सिंह रेखवार, कहार महासंघ भोपाल संभाग अध्यक्ष जी। आज क्या कार्यक्रम था? आज अपने कहार महासंघ की तरफ से पत्रिका का विमोचन रखा गया था, प्रेरणा। इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से आपने मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, बिश्वम्भर प्रसाद जी, और किशन माझी जी माननीय, और अपने राजकुमारी जी बासुदा से, राजकुमारी जी बैरसिया से, और दूर दूर से बहुत से जिलों से, और पदाधिकारी और राष्ट्रीय लेवल से भी आए। कीवर्ड अनूपपुर जिला से हूँ और मैं कुतमा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ विधानसभा की, और मैं माझी महासंघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैंने आज यहाँ आके देखा कि बहुत अच्छा, जो अजय जी ने जो भी यहाँ कार्यक्रम किए वो बहुत ही साकार रहा, और पहली बार देखने को इतना पब्लिक मिला हमें, और एक दूसरे को परिचय सम्मेलन के द्वारा यहाँ युवा की होते हैं एक दूसरे परिचय देते हुए, और पत्रिका भी यहाँ से विमोचन हुआ जो बहुत ही अच्छा है, जो एक प्रेरणादायक है, और जो इस पत्रिका का नाम है वो भी प्रेरणा है। तो हम एक दूसरे को ये प्रेरणा सिखाएं, एक दूसरे को प्रेरणा दें, और अधिक से अधिक जगह में ये परिचय सम्मेलन कहार महासंघ के द्वारा किया जाए, जिसमें पूरा समाज, जो केवट माझी जो भी है, सब एक हो सके। किस पर क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? मैं भारतीय मछुआ महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, श्रीमती राजकुमारी सुंदरलाल केवट, और मैं भोपाल जिले बैरसिया में रहती हूँ, और मैंने अभी हाल ही में विधानसभा में, मैंने यहाँ का विदिशा जिले से शमशाबाद विधानसभा से विधायक का मैंने चुनाव भी लड़ा है जन अधिकार पार्टी से, और इस कार्यक्रम जो कहार महासंघ है आज, इस कार्यक्रम जो हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय रेखवार जी, उन्होंने रखा है और इनकी सारी टीम ने रखा है, और ये समाज के हित में और समाज को जोड़ने के लिए और समाज को जागरूक और आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम रखा था, और दूर दूर से सारे जिलों से हमारे सारे जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सभी समाज के सामाजिक लोग सब एकत्रित हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा है, समाज को जागरूक और आगे बढ़ाए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें, और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।